सोनू ये सीट है हम लोग की। देखो जो ना ये वाला 3D वाला चश्मा भी लाया सोनू ने पहन लिया ऑलरेडी। ये तो ये देखिए दरभंगा जो है हम लोग का पिंक सिटी जयपुर से कम नहीं है ना। तो तारामंडल जो लोकेशन बनाया है ना काफी अच्छी लोकेशन में बना हुआ है जो काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ से भी जबरदस्त दिख रहा है। हेलो दोस्तों, तो आज के इस नए व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आया हूँ आप लोगों को तारामंडल एक्सप्लोर करने के लिए जो कि दरभंगे का बहुत ज्यादा ही टूरिस्ट एट्रैक्शन प्लेस हो गया है। अभी के इसमें नंबर वन पे चल रहा है जो अभी दरभंगे का तारामंडल है। ये दरभंगे का नहीं, ये बिहार का नंबर वन टूरिस्ट प्लेस हो गया है। ठीक है, तो आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को तारामंडल का अच्छे से और अंदर का भी हो सके तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अलाउड नहीं वीडियो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बनाने का। तो अभी मैं खड़ा हूं बाहर में और मेरे साथ आज एक नए मेहमान जुड़े हैं, उनका नाम है सोनू। तो सोनू ये है सोनू। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जो है हम लोग सोनू के साथ में एक्सप्लोर करेंगे तारामंडल को। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं सोनू? ये जो रोड आती है ये हैदराबाद में ना, हैदराबाद है तो इसके जो आगे यहाँ तो वो मंदिर है वहाँ पे। ठीक है, तो वो मंदिर जैसे आप पहले पुराना बस स्टैंड था तो वहाँ से जैसे आएंगे तो एक हनुमान मंदिर है। ठीक है, तो वहाँ से एक गली गुजरती है, जैसे आप अंदर आएंगे तो देखिए ऐसी सड़क मिलेगी और एक आपको इस तरफ जाती है। ठीक है, तो ये किस तरफ जाती है सोनू? हाईवे है ना, NH57 है, उस तरफ जाती है। तो आप एयरपोर्ट जा सकते हैं और बस स्टैंड भी जा सकते हैं। ठीक तो गाइस, अगर जाम हम लग जाए कभी हैदराबाद में आप ये शॉर्टकट बाईपास से निकल सकते हैं एयरपोर्ट के लिए। ये जो है ना ये शॉर्टकट रास्ता, इधर से आप सीधे जा सकते हैं, तो इसमें जाम हम नहीं लगता। ये शॉर्टकट रास्ता हम लोगों का, फायदा है हम लोग के लिए, सीक्रेट रास्ता है। तो चलते हैं हम। तो सुनो, चला जाए अंदर। जी जी, चलिए अंदर की तरफ। ठीक है, चलते हैं अंदर, आप लोग अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। और हम लोगों ने बाइक जो है ना वहाँ पे लगा दिया है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पार्किंग जो प्राइस है बाइसिकल हो गया या टू व्हीलर लाते हैं सबका यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्किंग है, बाइक पार्किंग करने का, ये पूरा यहाँ पे वहाँ से वहाँ तक पार्किंग का है और उधर भी है, उधर ही पार्किंग करने का है। ये था पार्किंग और आप मेरे सामने देख रहे होंगे ये है तारामंडल का जो बाहर का जो लुक होता है ना, जो डिज़ाइन है देखिए कितना खूबसूरत बनाया, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन किया हुआ है कि दरभंगा की आन बान शान है ये एक तरह से। तो हम लोग जो है ना तारामंडल के अंदर में अभी है, तो देख सकते हैं हम लोग के पीछे तारामंडल और उधर ही सब कुछ है, काउंटर वगैरह जितना है सब उधर है। लेकिन आप बाहर का देख सकते हैं कितना मतलब मस्त बनाया हुआ, जो राउंड बना दिया ना वो ज़बरदस्त लग रहा है। तो अभी हम लोग नीचे, हम लोग जब ऊपर जाएंगे, ऊपर से जब आप लोगों को दिखाएंगे तो देखिएगा दरभंगा कैसा लगता है हम लोगों का। सब बोलता है ना दरभंगा ऐसा है वैसा कचरा, लेकिन आज दिखाएंगे आप लोगों को दरभंगा कैसा हम लोगों का, हम लोगों का जो होम टाउन है ऐसा लगेगा कि मतलब जयपुर में है ना। जयपुर भाई, हम लोग आए थे एक दफ़े तो ऊपर से देखा मतलब जयपुर जैसा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक तालाब बड़ा सा है जो उसका जो ना खूबसूरत बढ़ा देता है उसको। ठीक है सोनू, चलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग नीचे हैं और देखेंगे हम लोग जाके वहाँ पे कि शो कब शुरू होता है, टाइमिंग क्या है उसकी। ठीक है, और टिकट कहाँ मिलता है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, सारा कुछ पता करेंगे। ये देख सकते हैं बाहर में सब सेल्फी ले रहा है, वीडियो बना रहा है, कोई रील्स बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, क्योंकि ऐसा बनाया गया ना यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी बड़ा स्पेस है, देख सकते होंगे मेरे पीछे में। दोस्तों ये है तारामंडल का बहुत बना हुआ है और यहाँ पर बैठने का, देखिए ये बना हुआ ना, ये संगमरमर का जो पत्थर है उससे बनाया गया है। और सोनू इधर आना, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ये, सोनू दिखा रहा है यार पानी, ये जो है ना ज़बरदस्त, मतलब आप आएंगे तो आप यहाँ पर बैठेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। अरे नहीं, पानी नहीं डाला था मैंने, जब पानी से में स्टार्ट हुआ था उसके पानी नहीं डाला। पानी में पत्थर डाला हुआ है ना, डिजाइनिंग पत्थर है ना है? एक बार एक हाथ में लीजिए तो थोड़ा दिखाएं दर्शकों को। बहुत सारी मछलियाँ इसके अंदर लग रही है, थोड़ा सा दिखाइए एक पत्थर लेके कम से कम। ये पत्थर है जबरदस्त है, पानी थोड़ा पहले पानी भरा हुआ था, अभी बहुत कम हो गया पानी। ठीक है, लेकिन काफी जबरदस्त लग रहा है यहाँ पे। उस तरफ भी दिखाना सुनो जरा, पूरा ग्राउंड है क्या ये? ऐसे है, पूरा ग्राउंड नहीं है, मतलब यहाँ से पानी वहाँ तक है। मैं आपको उधर लेके दिखाता हूँ, उस तरफ का हो गया ना, मैं उस तरफ का दिखाता हूँ, आ जाओ सुनो। तो देख रहे हो काफ़ी ऊपर से नहीं नीचे से चलते, उस तरफ दिखाया था ना, इधर का ज़्यादा मतलब चौड़ा है, देखा पड़ा तुम्हें वहाँ।
देखो पूरा ऐसे साइड से, और इधर का दिखाना। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, ये कुछ आइडिया है? ये वाला जो एयर फिल्टर के लिए, एयर फिल्टर शायद होगा। हाँ, पूल एयर के लिए। और इधर एक फैसिलिटी दिया है, वाशरूम है, ठीक है, वो सब सुन देखा ना। यहाँ पे मतलब वाशरूम है और महिला और पुरुष का वाशरूम, यहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी है, जो जो कि काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों उधर का तो वाशरूम दिखा दिया, ठीक है, अब चलते हैं आगे में, दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि वो सामने दिख रहे होंगे वो एंट्री टिकट काउंटर वहाँ पे है, आप एंट्री करने के अंदर से जाने के लिए। तो आप लोगों को एक से ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर से जो व्यूज होता है ना वो दिखाने वाले आपको। यहाँ पे एक ये इसका जो है ना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो दोस्तों आप लोगों को जो है ना इन्फॉर्मेशन बोर्ड वहाँ पे दिखाएंगे कि कब इसका उद्घाटन हुआ था। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन बोर्ड है, ज़रा इसको फोकस करना सुनो ज़रा, ठीक है। तो ये जो इसका जो उद्घाटन हुआ था, श्री नीतीश कुमार जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनके जरिए उद्घाटन हुआ था 12/1/2023 को। इसका जो कॉस्ट आया था टोटल 164 करोड़, ठीक है, तो इसी लागत से तैयार हुआ है। इसका इन्फॉर्मेशन और दिखाना ज़रा, जो कॉस्ट होकर पढ़ देंगे यहाँ पे दिखाना, इधर से यहाँ पे ले आकर पॉज करना, ऊपर से लेके नीचे का दिखाना यहाँ पे। तो आप लोग जो है ना इसका पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, कब से कब हुआ। तो दोस्तों टिकट का जो रेट है ना वो 70 रुपया है, जो 15 साल से ज़्यादा बच्चे हैं उनके लिए 70 रुपया, और जो 6 से 14 साल के बीच में है उनका 30 रुपया है। यहाँ पे शो टाइम है, यहाँ पे सारा 3D है, ठीक है। तो इस टाइमिंग 11 बजे शुरू होता है, 3:30 बजे भी है, 1:15 बजे भी है, सब 3D में है। और टाइमिंग यहाँ तो आप लोग देख ही लिया है, और सभी पढ़ लीजिएगा। ये टिकट काउंटर था, अभी पता करते हैं कि ऑफलाइन टिकट क्यों नहीं मिल रहा है, खाली ऑनलाइन क्यों है। आ जाओ पहले पता करते हैं। तीन बजे हो गया, तो हम लोग थोड़ा इंतजार कर लेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं ऊपर में। तो अभी बोले थे कि अभी टिकट लेना हम लोगों को, ऊपर जाएंगे, टिकट कहाँ लेंगे? कितना? लेकिन मुझे ऊपर जाना था, कैसे जाओ? ऑफलाइन टिकट दिलवा दी, ऊपर जाना था, ऊपर जाके फिर घूमना, ठीक है। आइए जल्दी से बात सर जी, थोड़ा ऊपर जा रहा था, घूमना था, और तो टिकट मुझे कटवा दिए। यहाँ से लीजिए 3:45 का। कहाँ से? यहाँ स्कैनर लगा हुआ। नहीं ऑफलाइन नहीं मिलता है, ऑफलाइन आपको 3:30 एग्जैक्ट मिलता है, 3:30 शो भी शुरू होता है, 3:30 3:45 में शुरू होती है। ओके, यानी बिना टिकट के नहीं जा सकते ऊपर, तो थोड़ा वेट कर लेंगे अभी। यहाँ पे दिखाना, ये बुकिंग प्रोसेस है यहाँ पे, तो देखते हैं अभी, दिखाओ जरा जूम करके यहाँ पे जो प्रोसेस। और यहाँ पे ये इसका स्कैनर वाला है, स्कैन करके बुकिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं हम लोग, 3:30 बजे के बोले ऑफलाइन के लिए, ऊपर अभी जा नहीं सकते बिना टिकट के। दोस्तों यहाँ पे एक कैंटीन भी है, कैफेटेरिया, जो बैठ के आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। अंदर में देखते हैं कुछ खाने पीने का है कि नहीं, चाय वगैरह जो लिखा है कैफेटेरिया, लेकिन कैफेटेरिया लिखा हुआ है, अंदर में देखेंगे कि है कि नहीं खाने पीने का। आ जाओ, टिकट काउंटर है, ठीक है, इसके बगल में ये बैठने जगह है।
और सामने और टीवी लगी हुई है, उधर देख रहे हैं बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। टीवी बंद है, और व्यू भी आता है इधर, पार्क पार्क अगर बन जाए तो इधर का व्यू काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एंटरटेनमेंट लिए अंदर से जो ना आवाज नहीं आता, कुछ चार्ट में ऐसा नहीं है कि समोसा है या फिर आपको पकौड़ा है, कुछ ऐसा लिखा नहीं है इस बात कर सकते हैं। तो उनसे क्या क्या है दिखा जरा आपको, ये बन रहा है, ये अंदर में किचन है और अभी यहाँ पे स्टार्टिंग पीरियड चल रहा है, तो फाइनली इनका वर्क जो है ना ख़त्म नहीं हुआ, काम चल ही रहा है और काउंटर नहीं बन पाया सही से। आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से नहीं, एक साल हो गया बने हुए, तब तक कुछ वैसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए था ना, चार्ट कुछ नहीं है, या हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, वो बाहर का चल रहा है ना, अभी तैयार हो चुका है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जरूरी है। ठीक ठाक है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे पानी वानी का भी कुछ नहीं है, तो इन सब चीज़ों को जो है ना देना पड़ेगा। भीड़ नजर आ रही है, इसका मतलब टिकट मिलना शुरू हो गया, तो चलते हैं फिर टिकट लेने के लिए, ऑफलाइन टिकट लेते हैं। जो ऑनलाइन का है नहीं हमारे पास, तो ऑफलाइन टिकट लेंगे, तो 70 रुपया मतलब पर पर्सन है। तो भीड़ चल रही है यहाँ पे, तो अभी हो गया टाइम कितना, 3:30 हो गया, 3:45 का शो है, तो अभी टिकट लेके आप लोगों को टूर कराते हैं ऊपर के, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, टिकट कटा करके पहले सो देखिए, टाइम हो गया। कितने बजे स्टार्ट होता है? 3:45, 15 मिनट बाकी है, फिर बैठ लीजिएगा ना। अच्छा, ये टिकट कटा कर सो देखिए। फाइनली टिकट मिल गया, थोड़ी सी लाइन थी, ज़्यादा लाइन नहीं थी, आराम से। ये है टिकट, ठीक है, दो टिकट ले लिया है, इसका चलते हैं अंदर में। तो दोस्तों रेडी टिकट ले लिया मैंने और चलते हैं अभी अंदर में, वोट करेंगे, ठीक है, चलते फिर अंदर, तो मिलते फिर आपको तारामंडल के अंदर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं तारामंडल के अंदर, और ये देख सकते हैं यहाँ पे शायद वीडियो राउट नहीं है, तो चुपके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यह पीछे देख सकते हैं, ये तारामंडल के अंदर का है, ये तारामंडल के अंदर का है, देखते होंगे। और यहाँ पे लाइन लगी हुई है, सोनू आ गया लाइन में और देखिए यहाँ पे लाइन है और वो अंदर जाने का है। आप अंदर का देख सकते हैं कैसा बना हुआ है, तो वो है ये पूरे तारामंडल के, आप अंदर का देख सकते हैं कैसा है। सुनो आ गए ना फाइनली हम लोग अंदर, फाइनली हम लोग अंदर आ गए। तो देखेंगे कि यहाँ का तारामंडल कैसा है, पटना का एक दफ़ा देखा था हम लोगों ने, और गाइस मैंने देखा था स्पेशली पटना का, वहाँ पे लिखा हुआ है अंदर में वीडियो बनाना फाइन है, हम लोग अभी बनाएंगे। अंदर लिखा हुआ कि फाइन 1,000 रुपया, ठीक है, लेकिन हम लोग चुपके रिकॉर्ड करेंगे, बट बाहर नहीं है, बाहर अलाउड है, अभी हम लोग वीडियो बना सकते हैं, बाहर में तो कर सकते हैं, अंदर का नहीं है। तो अभी इतनी लंबी लाइन है, बस लाइन ख़त्म होने वाली है, लाइन ख़त्म होते ही हम लोग अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे वीडियो बनाएंगे। सोनू ये सीट है हम लोगों की, तो ये सीट है हम लोगों की, और यहाँ पे
ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे ऊपर से देखो पृथ्वी, पृथ्वी देखो पृथ्वी देखो आराम से सो जा पृथ्वी देखो। हाँ देखो चश्मा पापा से पूछो ना। देखो झगड़ा नहीं करने का। तो ये है तारामंडल और वहाँ से सब अभी लोग आ ही रहे हैं। अभी फैमिली सब आ ही रही है। तो दोस्तों हम लोगों को जो है ना ये वाला 3D वाला चश्मा भी लाया है, सोनू ने पहन लिया ऑलरेडी और देखते पहन कर कैसा चश्मा है ये 3D का। ये परमिशन तो नहीं है गाइस, फिर भी हम लोग करके जाएंगे आगे, प्लान करके घर से जाएंगे। पूरा एकदम देख रहे हाउस ऑफ जोश। यस जोश। तो गाइस हम लोगों ने वो देख लिया, ये चश्मा था 3D वाला और अलाउड नहीं था वीडियो बनाना, बस थोड़ा बनाया जो देखने को मिलेगा, पूरा अलाउड नहीं था चुपके। तो ये था शो हम लोगों का इस चश्मे में, ये चश्मा यूरी तो ये 3D से आप देख सकते हैं। देखिए ये था हम लोगों का तारामंडल का आज का व्लॉग, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है थोड़ा सा। तो ये था तारामंडल का शो जो कि देख सकते हैं आपको, मतलब ये सब बैठने का यहाँ पे ये सब चेयर है इस तरह का, एक मूवी जैसा ही लग रहा है यहाँ पे, सिनेमा हॉल जैसा। तो चलते हैं हम लोग, चलो सोनू निकलते हैं विजिट करने का। तो यहाँ से एग्ज़िट करने का है, अभी सब लोग निकल रहे हैं। तो ये चश्मा जो है ना आगे जमा करने का है, वो वाला एंट्री था वहाँ से। अब जाएंगे ऊपर, ऊपर चलते हैं, ऊपर जाने का जो बनाया। अब जो है यहाँ से आप दरभंगा देखिए ना, तो फिर बोलिएगा, दिखाना सोनू धीरे धीरे यहाँ से दिखाना आराम से। मतलब जयपुर से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि जयपुर भी ऐसी लगता है देखने में, है ना। यहाँ से वो यहाँ से आप वो देखे हो, वो वहाँ जो है ना
एलएनएम यूनिवर्सिटी है फर्स्ट बिल्डिंग के बगल से ही। वो वहाँ से दिखा थोड़ा सा दिखा देते हैं जो हम लोग की जो यूनिवर्सिटी है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं। वो देखिए वहाँ से ये देखिए यूनिवर्सिटी नज़र आ रही होगी है ना। और इस तरफ भी जो है डीआरसीसी ऑफिस वो क्या है फुल फॉर्म वो एक मतलब कि गवर्नमेंट का कोई भी वैकेंसी या कुछ भी काम वाम रहता है ना तो वो डीआरसीसी ऑफिस से ही होता है जैसे टीचर का या अदरवाइज और भी प्रोग्राम है। अच्छा जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है ट्रायल पे ऑफिशियल कोई भी प्रोग्राम चलाती है तो उसका अथॉरिटी सबसे पहले डीआरसीसी ऑफिस को देती है फिर वो गांव में या पंचायत में या ब्लॉक में प्रोवाइड करवाती है। अच्छा तो ये है तो ये काफी इन्फॉर्मेशन वाला था यहाँ पे। और ये देख सकते हैं ये नीचे में लोग टहल रहे हैं और ऊपर से और भी ये पीछे पार्किंग वाला हो गया नीचे पार्किंग है और हम लोगों ने बाइक वहाँ लगा दिया हम लोगों की बाइक वहाँ लगी हुई है। और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से अब देखिए हाँ क्या बात है ये लग रहा है जो तारामंडल जो लोकेशन बना है ना काफ़ी अच्छी लोकेशन में बना हुआ है दरभंगा के सेंटर में है ना दरभंगा के सेंटर में कह सकते हैं क्या तो आप इसके नीचे का भी देख सकते हैं थोड़ा नीचे का दिखा देते हैं। तो ये ऐसे ऊपर से दिखता है यहाँ ये तो अब इस तरफ का देखते हैं यहाँ से देखते हैं कैसा लगता है। तो इधर का आप देख सकते होंगे इधर का थोड़ा डार्क हुआ क्योंकि सूरज अभी इधर ढल रहा है। यहाँ पे क्या पानी वानी पीने का ना यहाँ पानी वानी पीने का है घर से आए तो बोतल लेके आए हाँ बोतल भी नहीं लाए तो मसला नहीं है आप हाथ लगा के भी यहाँ पे पी सकते हैं पानी थोड़ी सी फैसिलिटी यहाँ पे अच्छा दिया है कि पानी वानी पी सकते हैं यहाँ पे। और इधर जो है कुछ काम वाम चल रहा है देखो बहुत सारा कुछ क्या यहाँ पे क्या चल रहा होगा काम कौन सा काम चल रहा होगा यहाँ पे कुछ आइडिया होगा नहीं आइडिया था लिखा भी नहीं है ना कहीं पे असल में पोस्टर लगा था तो पता चल ही जाता कहीं पे पोस्टर भी नहीं लगा हुआ है सिर्फ बॉर्डर मारे हाँ यहाँ पे एक लगा देना चाहिए था ना पोस्टर वगैरह की पता चलता कि मतलब किस चीज़ का काम हो रहा नहीं हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पे किस चीज़ का काम चल रहा है लेकिन जो भी चल रहा होगा अच्छा ही चल रहा होगा अच्छा प्रोजेक्ट होगा ऐसा लग रहा है कि नई बिल्डिंग नई बिल्डिंग बनाने का प्लान हो रहा है नई बिल्डिंग बन रही है नई बनने का प्लान हो रहा है क्योंकि जिस हिसाब से हाँ जिस हिसाब से इतना सामान रखा हुआ इतनी बड़ी जगह है देखो पूरा वहाँ से लेके और इसमें पिलर विलर में काम आता है ये सब सही कह रहे हो सोनू तुम बहुत बड़ा कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे क्योंकि हम लोग को बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा है देखो यहाँ पे कुछ काम हुआ है ना पूरा था सीमेंट का काम हुआ बचा के चलने के लिए बचा के चलेंगे हम लोग। तो सोनू हम लोग कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मतलब जो टूरिस्ट अट्रैक्शन था लग रहा था ना वो है वाकई में। अब देखिए ये सीढ़ी जो आपको नीचे से दिखाए थे हम लोग कि ये सीढ़ी है तो यहाँ से जो है ना ऐसी दिखती है और पूरा पार्किंग है देख रहे हैं बहुत बड़ी पार्किंग है कार वार ला सकते हैं पार्किंग की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ही बड़ी हाँ काफ़ी एरिया मतलब बड़ी एरिया में पार्किंग बनाया है आपको उस तरफ भी है आपको देखा है ना उस तरफ जाएंगे तब भी पार्किंग है और इधर भी पार्किंग है फैसिलिटी पार्किंग का अच्छा दिया काफ़ी अच्छा फैसिलिटी दिया पार्किंग का हाँ पार्किंग की फैसिलिटी ज़बरदस्त है और यहाँ पे लोग सेल्फी और फोटो वोटो ले रहे हैं रील्स बना रहे हैं शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ऐसा यहाँ पे व्यूज़ है ना लोग ऑटोमेटिक शुरुआत कर देते हैं रील्स बनाने का देखिए
यहाँ पे भी बनना शुरू हो गया। तो ये है तारामंडल के पीछे का व्यूज है ना, पानी का व्यूज अच्छा। यहाँ पे पानी का भी अच्छा लग रहा है, और नीचे पत्थर उत्थर जो दिखाई दिया था, छोटा छोटा पत्थर रखा हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ से भी ज़बरदस्त दिख रहा है। तो दोस्तों ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो बना दिया है और अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया, दिखा दिया हम लोगों ने बाहर से अंदर से हर एक चीज़ दिखा दिया, टिकट का बता दिया, और हम लोगों को काफ़ी पसंद आया ये, मतलब एज ए टूरिस्ट जो प्लेस है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और अच्छा है और काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। फाइनली वीडियो यहीं से हम करते हैं एंड, और वीडियो देखना ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और हमारे चैनल को यहीं सपोर्ट करते रहेंगे हम लोग। गाइस बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर फेसबुक पे व्लॉग देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।